नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जिन्होंने इंडिया से बोल रहा हूँ हजरत जी, हजरत आप मिलती है बाकी और किसी से तो मिलती नहीं। ये जो आपने मस्जिदानी वाला मसला बताया, अल्लाह को जजाय खैर दे, अल्लाह अकबर। पूरी जिंदगी उलेमा के साथ और दीन के काम के साथ लगे रहे हजरत, आज तक ही मसला मुझे मालूम नहीं था। अल्लाह जजाय खैर दे आपको, अब तो हम लोग बुढ़ापे में हो गए। हजरत आपसे एक मुझे पूछना ही है कि एक बहुत बड़े सबक थे जो अल्लामा के नाम पे आज भी मशहूर है, किसी ने मुझसे पूछा था हजरत आप दाढ़ी क्यों नहीं रखते। उन्होंने फरमाया था इसलिए ताकि बगैर दाढ़ी वाला को कोई गैर मुस्लिम ना समझे। हजरत दाढ़ी ना रखने पर लोगों के इस किस्म का मंतिकी बातों का क्या शरीय स्टेटस है? दाढ़ी रखना सुन्नत या वाजिब? जज़ाकअल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। क्या कहते हैं कि अगर वो दाढ़ी आप क्यों नहीं रखते, और तो उन्होंने कहा कि मैं दाढ़ी से नहीं रखता कि ताकि लोग मुसलमानों के बारे में ऐसा वो ख्याल बुरा ना करें, बुरे ख्याल ना लाएं, बदगुमानी ना करें, लोग मुसलमान समझे। हाँ, दाढ़ी मुंडे को मुसलमान समझे। मेरे ख्याल उनके जो अहवाल हैं वो इतने अच्छे नहीं होंगे कि मुसलमान ऐसा होता है, मुसलमान धोखेबाज होता है गोया के। अच्छा। दाढ़ी रख के मैं अगर अच्छी लाइफ ना गुजारूँ तो इस्लाम के ऊपर एक उंगली उठाने का मौका। शख्स का हवाला दिया, कोई शख्सियत, कोई शख्स ऐसा करता है तो ये बड़े आदमी को। हाँ, तो कहते हैं कि ऐसा फलसफी जवाब देना या कोई ऐसा करना। माशाल्लाह, सबसे पहले आपकी मोहब्बत को शुक्रिया। असल में आपकी आवाज़ थोड़ी सी मेरी उसमें जो है वो हो रही थी, गूंज थी, इसलिए ज़्यादा वाज़े समझ में नहीं आया था। तो बाकी सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए, और आप हमारे जवाब और हमारे जो है वो मजामीन को अप्रिशिएट करते हैं, और इंडिया से बैठ के आप जो इस्तिफादा करते हैं, बल्कि दुनिया से लोग इस्तिफादा करते हैं। और मेरी भी कोशिश होती है कि अल्लाह तबारक व ताला कलम हक हिकमत के साथ जो है वो कहने की तौफीक अता फरमाए, और मेरे लिए भी सदका जारिया हो, और आगे जो है मुसलमानों के लिए भी एक प्रैक्टिकली यानी अमली जो है उनके लिए रहनुमाई भी हो जाए। बाकी ये जो सवाल आपने किया दाढ़ी के हवाले से, तो और किसी साहब का आपने नकल किया कि मैं इसलिए दाढ़ी मुंडाता हूँ ताकि लोग जो है दाढ़ी मुंडे को गैर मुस्लिम ना समझें, यानी वो ये समझे कि हाँ जी दाढ़ी मुंडों में भी मुसलमान होते हैं इसलिए मैं दाढ़ी मुंडाता हूँ। तो ये उन्होंने कोई ऐसी मंतकी कोई अकली दलील देने की कोशिश की है। पहली बात यह कि दाढ़ी रखना वाजिब है, वाजिब है। सुन्नत इसलिए कहा जाता है कि ये वो वाजिब है जो सुन्नत से साबित है, इसलिए इसको वाजिब सुन्नत कहा जाता है। लेकिन इसका जो शरी हुक्म है वो वाजिब है, लिहाजा दाढ़ी मुंडाना जो है ये गुनाह कबीरा है, गुनाह कबीरा। और जबकि आप जानते हैं कि ये ऐसा गुनाह कबीरा जो मुसलसल आपके चेहरे के साथ लगा हुआ, आपके साथ लगा हुआ है, यानी इवन है कि फुका ने यहाँ तक लिखा है कि एक जिना इंसान करता वो चंद लम्हे के लिए करके फारिग हो गया, चोरी एक लम्हे के लिए करके फारिग हो गया, लेकिन ये ऐसा गुनाह कबीरा जो आपके जो है चेहरे पर सजा रहता है, नमाज में भी आपके साथ है, रोजे में भी आपके साथ है, तिलावत कुरान आप पढ़ रहे हो आपके साथ है, इवन हज भी आप गए हज में आपके साथ लगा हुआ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा अकदस भी आप गए वहाँ आपके साथ लगा हुआ है। तो ये ऐसा ख़तरनाक और घनौना गुनाह कबीरा कि हर लम्हा आपके साथ है, लिहाजा नुसूस क़तिया से बात साबित है कि दाढ़ी रखना वाजिब है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो ईरान का बादशाह उसके कासिद आए जो दाढ़ी मुंडे थे, और उन्होंने आपसे बात करना चाही तो आपने उनके दाढ़ी मुंडे होने को देख के चेहरा एक तरफ फेर लिया, वो दूसरी तरफ है आपने भी इधर चेहरा फेर लिया। तो अब आपने जो है बड़ी जो है नागवारी से फरमाया कि तुम्हें ये शक्ल बनाने के लिए किसने कहा था? तो वो चूंकि अपने बादशाह को रब कहते थे, उन्होंने कहा कि हमारे रब ने हमें हुक्म दिया है कि हम जो दाढ़ियाँ मुंडवाएं और मूछे बढ़ाएं, मूछे बड़ी बड़ी रखी हुई दाढ़ी मुंडाई हुई थी। उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन काउंटर में ये बात फरमाई कि वलाकिन अमरा नहीं रब्बी, लेकिन मेरे रब ने मुझे हुक्म ये दिया है कि दाढ़ियों को बढ़ाएं और मूछों को कटवाएं। तो अमरा नहीं रब्बी के रब का हुक्म, तो रब का हुक्म तो वाजिब होता है, और ये इतला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मत को दे रहे हैं, और एक ऐसे शख्स पर गजबनाक हो रहे हैं जो कि मुसलमान भी नहीं है। तो मालूम है कि दाढ़ी रखना तो ये गोया कि खुद इंसानियत का भी शियार है, खुद इंसान की तख्लीकी साख्त का भी हिस्सा है, ये चाहे कि इस्लाम की रौनक हो। तो आपने उन पर गजब का इजहार किया, और मुसलमान की दाढ़ी मुंडे होने को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे गवारा कर सकते हैं? इसलिए तो अहले दिल फरमाते हैं कि ऐसे लोग जो दाढ़ी मुंडा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे जाते होंगे, माँ सलाम करते होंगे, तो क्या उनको ये अंदेशा नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंह फेर लेते हों?
कल रोज़े क़यामत में जब पेश होंगे हौज़े कौसर पे, आप उनसे मुंह फेर लें, क्योंकि आपने दुनिया के अंदर जो करके दिखाया, मुंह फेरा, नागवारी का इज़हार किया। लिहाजा ऐसे कती जो शरी हुक्म है उनके बारे में इस तरह के ढकोसले करना कि जी मैं दाढ़ी इसलिए मुड़ाता हूँ ताकि लोग जो दाढ़ी मुंडे को मुसलमान समझें और सब दाढ़ी मुंडों को गैर मुस्लिम ना समझें, कि भाई ये तो आपकी, ये तो यूनिफॉर्म है, आप यूनिफॉर्म जो है यूनिफॉर्म आप पूरी पहनेंगे तो ही आपको सलूट किया जाएगा ना। अब एक पुलिस का आदमी पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के अगर आएगा रोड पे तो उसका एक इशारे से सारी लाखों की जो है वो ट्रैफिक रुक जाएगी। अब टीटीए जो अपनी यूनिफॉर्म में झंडी हिलाएगा तो जनाब वो जनाब लंबी रेलगाड़ी उसकी एक झंडी हिलाने पर रुक जाएगी, हालांकि कोई झंडी में कोई ताकत नहीं है, हैं उस यूनिफॉर्म में भी कोई ताकत नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म जो ये अलामत है किसी पीछे की ताकत की, तो इसलिए वो पूरी रेल रुक जाती है। ऐसे ही ये यूनिफॉर्म है। अब अगर एक पुलिस मैन जो है बगैर सादा लिबास के साथ रोड पे आ जाए तो उसकी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि जाहिर है कि वो अपनी यूनिफॉर्म में नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं, जितने भी हवाले देता रहे मैं यूँ हूँ मैं वो हूँ, भाई आप यूनिफॉर्म में क्यों नहीं है। तो दाढ़ी जो है ना ये तो मुसलमान की यूनिफॉर्म बन गई है, ये तो इस्लाम का इतना बुनियादी रुकन बन गया है कि दाढ़ी देख कर पता चल गया कि भाई ये मुसलमान मुसलमान, और इसका पूरा हाल उलिया बता रहा है कि ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना उम्मती है। तो लिहाजा जब यूनिफॉर्म मुकम्मल है तो ऐसे शख्स का एज़ाज़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के यहाँ उसका एज़ाज़, अल्लाह की धरती में उसका एज़ाज़, कल रोज़े क़्यामत में उसका एज़ाज़। इसलिए जो है दाढ़ी मुड़ा के आप ये कहें कि मुझे इज्जत दी जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए दाढ़ी जो है ना वो वाजिब है और उसका मुड़ाना गुनाह कबीरा है, और इस तरीके से जो है अकली ढकोसले पेश करके अपने आप को छुपाना, बाद लोग कह देते हैं कि जो दाढ़ी हम नहीं रखते कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से तो हम जो मुसलमान हैं, भाई अंदर अंदर की बात नहीं होती, शरीयत तो ज़ाहिर को देखती है। अब ज़ाहिर हाल के अंदर पूरा आपका हुलिया ये मुत्तबे शरीयत मुत्तबे सुन्नत है तो बस आपके बारे में शरीयत एक ये पॉजिटिव हुक्म लगाएगी, लेकिन आप अंदर को लेके फिर रहे हैं ज़ाहिर हाल हुलिया आपका जो है फासिकाना होगा तो शरीयत उसको गवारा नहीं करेगी। इसलिए ऐसे लोगों को इस तरह कहना ये काबिल कबूल नहीं है।